लोकसभा के स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर श्रीमान प्रोफेसर कुरियन जी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर श्रीमान थंबी दुराई जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाना 2015 से प्रारंभ किया। कल्पना ये है कि हमारी नई पीढ़ी इस संविधान के साथ, उसकी प्रक्रिया के साथ, उसके उम्दा उद्देश्यों के साथ कनेक्ट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ चलता है लेकिन कैसे चलता है पता ही नहीं हो, और ऐसी चीजों का एक निरंतर पुनः स्मरण आवश्यक होता है। और जब मूलभूत तत्वों का बार बार स्मरण करते हैं तो तत्कालीन समय के संदर्भ में करते हैं। जिस विषय का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा, हो सकता है उसी बात का अर्थ 10 साल के बाद अलग रूप में दिखेगा। एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है, लेकिन वो तब होता है जब इन मूलभूत चीजों के साथ हम हर चीज तो कसते रहेंगे, तोलते रहेंगे। हमारे स्कूल कॉलेज के सभी बालकों को संविधान का प्रेम बल कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्याख्या हो। इससे लाभ ये होगा कि संविधान के महात्म्य का सामान्य जीवन में एक स्थान बनेगा। बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घटती है कि जिसमें संविधान का उल्लेख बार बार आता है, लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब जब हम संविधान का स्मरण करते हैं, हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुण्य स्मरण साथ साथ याद आता है। यानी बाबा साहब और संविधान, संविधान यानी बाबा साहब, बाबा साहब यानी संविधान, ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा था, उनके कालखंड में शायद किसी ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ है। संविधान समय ऐसा बदला है कि संविधान में से हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है, अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है, और बड़े चतुर लोग संविधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुपयोग करने की हद तक की कभी कभी सीमाएं लांघ देते हैं। इससे एक एनार्की पैदा होती है, और बाबा साहब आम्बेडकर ग्रामर ऑफ एनार्की की बात करते थे। ये हम सबका दायित्व तो होता है, नागरिक हो, शासन व्यवस्था हो, सरकार हो, शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न अंग हो, हरेक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर फोर्स है तो हमारा संविधान है।
लुब्रिकेशन करने की ताकत भी है तो संविधान में है, रक्षा करने की ताकत है तो भी संविधान में है। और इसलिए इन संविधान के आत्मा के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ धाराओं के साथ जुड़ने से बात चलती नहीं है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए आज उसकी प्रोसेस की जो किताब निकली है वो शायद स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस एक पन्ने को खोलने के लिए शायद हमें काम आ सकता है, तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि देश आजाद हुआ कर्तव्य भावना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के कारण देश का हर नागरिक आजादी का आंदोलन को अपना कर्तव्य मानता था। देश आजाद होने तक कर्तव्य का भाव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था जो बेमिसाल था, और शताब्दी से भी अधिक समय तक वो भाव लोग जीते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद उस ऊंचाई से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तव्य का सारा भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया, और अधिकार हक मेरा क्या, इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रसित कर लिया कि कर्तव्य का लोप होता चला जा रहा है। हम संविधान के माध्यम से कर्तव्य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाएं, देश के सामने चुनौती है। और उस दिशा में इस प्रकार के प्रयत्नों से रास्ते खोजे जा सकते हैं। हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, लेकिन हम न भूलें कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है, और इसलिए इस 26 नवंबर का संविधान दिवस के रूप में नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उसका पुण्य स्मरण करते हुए उसकी बारीकियों को जानने का प्रयास, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो करते रहना चाहिए। ऑनलाइन कंपटीशन हो, कभी संविधान पर बालकों के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, यही चीजें हैं आखिरकार लोगों को इसके साथ जोड़ती है। इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है, आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं, कितना बड़ा अहम कदम उठाया। और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है, निर्णय बहुत बड़ा है, देश का उज्जवल भविष्य देखने वालों से इतनी ही अपेक्षा है कि आइए हम सब मिलकर के
सामान्य मानवी की कठिनाइयों को दूर करें, इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा देश, दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है, हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। और मैं निमंत्रण देता हूं सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, मीडिया को। दूसरा, डिजिटल करेंसी, हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है, आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो, आपके पाई पाई पर आपका हक है। मैं इस माध्यम से जब संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान इन व्यवस्थाओं का भी रक्षक है, मैं देशवासियों से और खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले हर वर्ग से, मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों ना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप कहां सीखने गए थे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के, अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहें तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ नगरपालिका महानगरपालिकाओं का, बहुत कम, इन्हीं की नहीं, नगरपालिका महानगरपालिका कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था, 8 नवंबर के बाद 13 हजार करोड़ उनके खजाने में जमा हो गए। ये पैसा किसके काम आएगा? उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे, एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है। और इसलिए राजनीति के ऊपर भी समाज हित के बहुत काम करने होते हैं, संविधान हमें वो प्रेरणा देता है, संविधान हमें हमारी विरासतों का संभालने की जिम्मेवारी देता है, लिखा हुआ है उसमें, हमारी इस महान विरासत की संभालना ये संवैधानिक हमारी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो महान कार्य किया है उसके शब्दों को और भावों को पीढ़ी दर पीढ़ी समयानुकूल संदर्भ में हम उसको जी के सीखें, जीना सीखें, जी करके दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत, नई ऊर्जा देते रहे। मैं सुमित्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस बार पार्लियामेंट नहीं थी, 26 तारीख को छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने इस संविधान दिवस के महात्म्य को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प किया। स्टेट में भी उसका इनिशिएटिव लिया गया, स्कूल कॉलेजेज में इनिशिएटिव लिया गया और धीरे धीरे करके ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में बनेगा, मुझे विश्वास है। मैं इस समय मुझे आने का अवसर मिला, मेरी समय की कठिनाई के कारण आपको भी जरा जल्दी जल्दी आना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।